स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वॉल्यूम पिछले लेक्चर में हमने डिफ्यूजन इफ्यूजन को स्टडी किया था तो आज हम वॉल्यूम और प्रेशर को देखेंगे वॉल्यूम क्या है और हमारे पास प्रेशर क्या होता है तो सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ कॉन्सटेंट स्टेट ऑफ मोशन हम सबको ये बात मालूम है कि जो गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्सटेंट स्टेट ऑफ मोशन में होता मतलब तो कि वो कॉन्सटेंटली क्या कर रहे होते हैं मूव कर रहे होते हैं वो मोशन में होते हैं तो उस गैसेस को जिस कंटेनर में फिल किया जाता है ठीक है जिस कंटेनर में वो आते हैं प्लेस किया जाता है उसी कंटेनर में उसको फिल किया जाता है इसका क्या मतलब है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है कंटेनर के वॉल्यूम के ठीक है जिस में हमें जिस कंटेनर में हम लोग किसको गैस को फिल करते हैं उसका वॉल्यूम और जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो क्या होता है इक्वल होता है तो इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर उसकी अमाउंट पर कि हमने गैस की कितनी अमाउंट ली है उसके बाद उसका टम्परेचर देखा जाता है एंड देन प्रेशर देखा जाता है अब हमारे पास अमाउंट और टेम्परेचर गैस की जो अमाउंट हमने लिए और जो उसका टेम्परेचर है जब वो हाई होगा ग्रेटर होगा तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा लो होगा हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था हम लोग बार ही पढ़ेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ अब यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ अ टेम्परेचर एंड अ प्रेशर ठीक है गैस की अमाउंट को बढ़ाने से और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा ठीक है इतनी सी बात है उसके बाद क्या है कि वॉल्यूम को एक्सप्रेस किस में किया जाता है वॉल्यूम को हम लीटर में भी मिलीलीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारे पास मीटर क्यूब है अब ये जो इसकी हमने लिखी है ना कि किस में एक्सप्रेस किया जाता है इसकी ऐसा यूनिट क्या है तो और मोस्ट तो मोस्ट कॉमनली हम लोग इसकी कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीज़ें किस में पूछी जाती हैं हमसे में पूछी जाती हैं तो आप लोग इसे मार्क कर लें तो ऐसे यूनिट इसकी क्या है मीटर क्यूब है और कॉमन प्रैक्टिस यूजली जो हम इसकी स्मॉलर यूनिट्स को जो हमारे पास आ जाती हैं वो क्यूबिक डेसीमीटर आ जाती है और क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाती है तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये दोनों आपस में रिलेट भी करते हैं कैसे रिलेट करते हैं वन मीटर क्यूब मीटर हमने कहा किसकी वॉल्यूम की हमारे पास यूनिट है वन मीटर क्यूब किस इक्वल होता है टेन की पावर थ्री डेसीमीटर क्यूब तो जब हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन की पावर सिक्स सेंटीमीटर क्यूब द मोस्ट कॉमनली यूनिट हम लोग लीटर भी यूज़ करते हैं जो कि डेसीमीटर से रिलेटेड है कैसे कि वन लीटर हमारे पास वन डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है तो वन मिली लीटर हमारे पास वन सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा तो हमारे पास मिली लीटर और जो वन लीटर है ये भी क्या है इसकी यूनिट के तौर पर वॉल्यूम की यूज़ किया जाता है तो वॉल्यूम आप लोगों को समझ आ गया होगा वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है गैस को किसी भी कंटेनर में हम लोग जो फिल करते हैं तो गैस का वॉल्यूम और उस कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल होता है गैस तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ अ गैस टेम्परेचर एंड प्रेशर अब अमाउंट ऑफ अ टेम्परेचर और टेम्परीचर और जो अमाउंट ऑफ अ गैस है वो इंक्रीज होंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमारे पास ठीक है इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं लीटर मिलीलीटर लीटर क्यूबिक मीटर एक्सप्रेस किया जाता है मीटर इसकी यूनिट मीटर क्यूब आ जाती है और जो मोस्ट कॉमनली स्मॉलर यूनिट जिनको हम यूज़ करते हैं वो डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है अब प्रेशर को देखेंगे कि प्रेशर हमारे पास में होता है ठीक है प्रेशर इज़ अ फोर्स एक्साइटेड बाय अ गैस पर यूनिट एरिया यूनिट एरिया के ऊपर जब गैसेज जो होती हैं उनके ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है ठीक है जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास क्या प्रेशर है किसी भी कंटेनर है कंटेनर लाइक like, ये हमारे पास कंटेनर है इस कंटेनर में हमारे पास गैसेज फ्रीली मूव करेंगे अब इसके ऊपर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कैसे हो जाएंगी ये आप देखें फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कैसे हो जाएंगी कि ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएंगी क्लोज आ जाएंगी तो ये जो हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इसको क्या कहते हैं हम लोग प्रेशर कहा जाता है तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि गैस पर यूनिट एरिया के ऊपर जब हम लोग फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उसको हमें क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं गैस एग्जैट अ प्रेशर यूनिफॉर्मली इन आल डायरेक्शन अब क्या होता है गैसेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जैट किया जाता है वो हर डायरेक्शन में किया जाता है ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इधर सेंटर से फोर्स एग्जर्ट करें तो सिर्फ ये वाले मॉलिक्यूल्स के नहीं नहीं ये आल डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट रहा होता है इसलिए सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं कंप्रेस होते हैं प्रेशर ऑफ़ अ गैस इज ड्यू टू द कोलियन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर अच्छा गैसेस का जो प्रेशर होता है ठीक है प्रेशर किस वजह से होता है ये जो गैसेस होती है हैं ना ये कोलाइड करती हैं किसके साथ ये हमने क्या कहा गैसेस फ्रीली मूव करती हैं तो जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करती हैं कंटेनर के साथ तो क्या होता है प्रेशर एग्जर्ट होता है अ स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ़ वन एटमोसफेयर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मोलिकूल्स ऑफ द एयर और अ गैस विच मेक अ सेवन सिक्स सेंटीमीटर सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ मर्करिक कॉलम टू स्टैंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस अच्छा अब क्या कहते हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वन एटमोसफेरिक वन एटमोसफेरिक प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है किसके ऊपर मोलिक्यूल्स ऑफ एयर के ऊपर या फिर गैसेज के ऊपर जो हमारे पास क्या सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी मर्करी एच जी को रिप्रजेंट करते हैं तो हम एच जी लिखते हैं ठीक है आप मरकरी भी लिख सकते हैं हम लिखते हैं सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी को रिप्रजेंट करता है स्टैंडर्ड जीरो डिग्री सेल्सियस पे और वन एम एम एच जी को हम लोग वन टॉर भी कहते हैं ठीक है अब इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है अब हमारे पास जो ऐसा यूनिट आ जाती है ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इस पास्कल पास्कल हमारे पास प्रेशर की यूनिट है यहां पर नहीं लिखा हुआ पास्कल बहुत छोटी यूनिट है प्रेशर की जिसकी वजह से हम यहां पे क्या यूज करते हैं किलो पास्कल भी यूज करते हैं ठीक है पास्कल हमारे पास स्मॉलर यूनिट है प्रेशर क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ आप लोग लिख लें के एम सी क्यूज में पूछते नहीं लिखा हुआ था तो वो जब पूछते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं कहाँ से आया हमने तो पढ़ा ही नहीं था ये वो सो so, पास्कल हमारे पास स्मॉलर यूनिट होती है प्रेशर की जिसकी वजह से हम किलो पास्कल को यूज़ करते हैं इट इज़ अ प्रेशर एग्जटेड वन अ फोर्स ऑफ अ वन न्यूटन एक्ट अपॉन एन एरिया ऑफ अ वन मीटर क्यूब अच्छा ये प्रेशर की वो हमारे पास यूनिट uh, है ना इट इज़ अ इट इज़ द प्रेशर एग्जाइटेड वैन फोर्स ऑफ अ वन न्यूटन जब वन न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है वन मीटर क्यू स्केयर ऑफ अ एरिया के ऊपर तो जो वो फोर्स प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो हमारे पास क्या है? होता है वन पासकल होता है ठीक है वन न्यूटन ऑफ फोर्स किसके ऊपर लगाई जाती है वन मीटर क्यू स्केयर ऑफ एरिया के ऊपर लगाई जाती है तो जो प्रेशर हमारे पास लगाया जाता है वह उसको हम क्या बोलते हैं वन पासकल है अब इसका रिलेशन क्या है हमारे पास वन ए का मतलब है एटमोसफियर ठीक है वन ए हमारे पास सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा सेवन सिक्सटी टॉक जैसे कि अब आप बोलेंगे सेवन सिक्सटी टॉर कैसे है यार हमें पता है कि हमने पहले पढ़ा वन एम एम ऑफ वन एम एम ऑफ एच हमारे पास किसके इक्वल होता है वन टॉर्क इक्वल होता है तो वन एम एम ऑफ एच जब वन टॉर के इक्वल होगा तो सेवन सिक्सटी तो सेवन सिक्सटी के टॉर्के इक्वल होगा अब वन पास्कल कल वन mm एम एम माइनस टू के न्यूटन मीटर पर स्केर के इक्वल होता है ए टी एम की वन ए टी एम के हमारे हम पास अब हमें इसको न्यूटन की हम लोगों ने क्या निकाली इसकी वैल्यू निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे इसके पास जो हमारे पास पास्कल की वैल्यू थी वो क्या होती है वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव मल्टीप्लाई पर टन रेस टू पार फाइव पासकल ठीक है ये हमारे पास न्यूटन न, इसकी क्या है वैल्यू है तो ये हमारे पास आ जाएगी पास्कल है वन पास्कल हमने कहा किसके इक्वल होता है एन एम माइनस टू के इक्वल होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना पास्कल की जगह तो हमने क्या लिख दिया वन एन एम माइनस टू अब मैंने आपको क्या कहा कि पास्कल बहुत छोटी यूनिट होती है इसकी वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं किलो पास्कल यूज़ करते हैं तो किलो पास्कल जब हम यूज़ करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे टेन की पावर फाइव था किलो के लिए टेन की पावर थ्री चाहिए होती है तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा हम इसको लिखेंगे ऐसे वन ज़ीरो वन थ्री टू फाइव वन पॉइंट ज़ीरो वन थ्री टू फाइव मल्टीप्लाइर टेन रेज टू थ्री टेन रेज टू टू तो ये आ जाएगा एन एम माइनस टू अब ये आ गया इसको जब हम फर्दर आगे करेंगे तो टेन की पास थ्री टेन की पार्ट थ्री किलो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आएगा वन पॉइंट ज़ीरो वन थ्री टू फाइव मल्टीप्लाई व टेन की पावर टू तो ये आ जाएगा हमारे पास किलो पास्कल एन एम माइनस टू पासकल की इक्वल है ना तो हम लिखेंगे किलो पास्कल अब टेन की पावर टू है तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखते हैं वापस तो ये हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव मल्टीप्लाई बै किलो पास्कल तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आती है वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पास्कल के कि पास्कल बहुत छोटी वैल्यू होती है इसकी वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं किलो पास्कल और वो इसकी वैल्यू से आते हैं कि टेन की पार्ट फाइव होता है किलो थ्री होता है तो टेन की पार थ्री हमारे पास किलो पास्कल जो टू है तो वो वापस हम लोग जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पास कर सो so, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आया होगा कहीं से आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग तो मुझसे पूछ सकते हैं शुक्रिया